दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक अपना ही टेस्ट और अपनी ही खुशबू है। लेकिन गैलेक्सी की स्मेल और टेस्ट ये कैसे संभव है? तो दोस्तों, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में तो आज आप ये भी जानोगे कि अगर एलोन मस्क मार्स पर कॉलोनाइजेशन करते हैं और मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने में कामयाब हो जाते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी भविष्य में हमारी आने वाली जनरेशंस मंगल पर कैसे दिखती होगी, और ये भी जानोगे कि चांद से आसमान काला क्यों दिखता है। तो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और साइंटिफिक हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे अमेजिंग, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे नए 10 मार्वलस स्पेस फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, पृथ्वी गोल है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, लेकिन यूनिवर्स में मौजूद लगभग सारे प्लैनेट्स स्फेरिकल है। पर दोस्तों, हमारी इस दुनिया में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं लेकिन फ्लैट है। ये लोग आज भी हमारी पृथ्वी चपटी होने की दलीलें करते हैं। लेकिन दोस्तों, चले मजाक में एक मजाक कर लेते हैं कि यदि हम एक पल के लिए हमारी पृथ्वी को इनकी नजर से देखें, तो क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी होती? तो फ्रेंड्स, अगर हमारी पृथ्वी फ्लैट होती तो सबसे पहले तो हमारी पृथ्वी पर माउंटेन्स ही नहीं होते, और समुद्र में लहरें भी नहीं उठती, और पूरे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी एक अकेली ही फ्लैट सेलेस्टियल बॉडी होती। और अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो फिजिक्स के लॉ के अनुसार इस पर जीवन विकसित ही नहीं हो पाता, क्योंकि सूरज की गर्मी से हमारी पृथ्वी फ्राई हो जाती। मतलब अगर हमारी पृथ्वी फ्लैट होती तो ये दावा करने के लिए हम इंसान ही नहीं होते। नंबर 2, जब हम पृथ्वी पर पानी को गर्म करते हैं तो पानी के उबलने पर हमें बहुत सारे बुलबुले दिखाई देते हैं, लेकिन अगर पानी को स्पेस में गर्म किया जाए तो आपको सिर्फ एक ही बुलबुला दिखाई देगा, और वो भी बहुत बड़ा। नंबर 3, दोस्तों, दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, उन सभी चीजों का एक अलग टेस्ट जरूर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी इस पृथ्वी, इस दुनिया से बाहर हमारी पृथ्वी और पूरा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में मौजूद है, उस गैलेक्सी का यानी कि मिल्की वे का भी एक अलग टेस्ट है, और इसकी एक अलग खुशबू भी है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसे गूगल भी कर सकते हो। मिल्की वे गैलेक्सी से निकलने वाली खुशबू रम की तरह है। जी हाँ, ये रम जो अल्कोहल का एक प्रकार है, और उसका टेस्ट रास्पबेरी की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी खुशबू और टेस्ट का पता हमें कैसे चला? तो इसकी डिस्कवरी तब हुई जब 2009 में एस्ट्रोनॉमर्स IRMA यानी कि IRAM टेलीस्कोप की मदद से इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स में न्यू मॉलिक्यूल्स की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पार्ट में एक गैस क्लाउड मिला। इस क्लाउड में इथाइल फॉर्मेट नाम के एक केमिकल की मौजूदगी पाई गई थी। पृथ्वी पर यह केमिकल रास्पबेरी के विशेष फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वही इसकी खुशबू रम जैसी है। इथाइल फॉर्मेट की डिस्कवरी के बाद मिल्की वे गैलेक्सी की हल्की खुशबू और उसके टेस्ट के बारे में हमें पता चल गया। नंबर 4, दोस्तों, धरती पर जब किसी मेटल को दूसरे मेटल के साथ जोड़ना हो तो हमें ये काम वेल्डिंग मशीन से करना पड़ता है, लेकिन स्पेस में ये काम बिना किसी मशीन और बिना किसी मेहनत के ही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्पेस में अगर एक ही टाइप के दो मेटल के दो अलग अलग टुकड़े जब एक दूसरे के संपर्क में आए, तब यह एक दूसरे के साथ परमानेंटली जुड़ जाते हैं। स्पेस में ही होने वाली इस घटना को कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है, और इस कोल्ड वेल्डिंग की वजह यह है कि स्पेस में इंडिविजुअल मेटल्स के टुकड़ों के एटम्स को यह पता ही नहीं चल पाता कि वो अलग अलग मेटल पार्ट्स के एटम है, क्योंकि फ्रेंड्स, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं है, और क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है इसलिए वहां पर ऑक्साइड लेवल फॉर्मेशन भी नहीं है, और इसलिए जब स्पेस में दो सेम मेटल के टुकड़े आपस में संपर्क में आते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मेटल सरफेस फ्लो इनटू अनदर वन, और इसलिए मेटल के दो टुकड़े जब आपस में संपर्क में आते हैं तो उनमें मौजूद पार्टिकल्स एक दूसरे में समाकर परमानेंटली जुड़ जाते हैं। दोस्तों, धरती पर इस तरह का कोल्ड वेल्डिंग इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर हवा, पानी और बाफ बैरियर बनकर मेटल के टुकड़ों को अलग रखते हैं। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार्स का वजन कितना होता है? इसके टोटल वजन को तो छोड़ ही दो, अगर आप सिर्फ एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार की ही बात करो तो एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन इतना ज्यादा होता है कि ये पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसानों के वजन से भी ज्यादा होगा। वही हम न्यूट्रॉन स्टार के टोटल मास की बात करें तो इसका टोटल मास हमारे सूरज से 10 से 25 गुना ज्यादा होगा।
और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होता है तो पूरे सोलर सिस्टम में तबाही मच जाएगी। लेकिन लकीली हमसे सबसे करीबी न्यूट्रॉन स्टार भी हमसे 500 लाइट ईयर दूर है। नंबर 6, दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका बॉम्ब फेंकने में माहिर है, और उसी अमेरिका ने सन 1963 में स्पेस में एक हाइड्रोजन बॉम्ब फेंका था जो हिरोशिमा पर फेंके गए न्यूक्लियर बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। नंबर 7, हमें यहाँ से पृथ्वी पर से आसमान नीला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर रहते हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर के कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन आप अंतरिक्ष में अगर आसमान को देखोगे तो वो पूरा काला दिखाई देगा। जी हाँ, सूरज के प्रकाश में भी वहां पर आसमान काला दिखाई देगा, इसलिए ये चांद की सतह पर अगर दिन हो तब भी वहां पर आसमान काला दिखाई देता है, लेकिन वहां पर सूरज के प्रकाश के कारण सतह जरूर चमकीली दिखाई देगी। नंबर 8, दोस्तों पृथ्वी पर हम 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर दूर ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को सूर्योदय और सूर्यास्त 24 घंटे में 16 बार दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की विपरीत दिशा में वो स्पेस स्टेशन भी घूम रहा होता है। नंबर 9, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2030 तक इंसान के कदम मार्स की सतह पर पड़ चुके होंगे, और यदि मार्स पर इंसान परमानेंटली सेटल हो जाते हैं तो फिर आप जानते हैं कि मार्स पर पैदा होकर वही परवरिश पाने वाले बच्चे शारीरिक रूप से कैसे होंगे? तो एक रिसर्च के अनुसार मार्स पर बसने वाले लोग धीरे धीरे पृथ्वी पर बसने वाले लोगों से अलग हो जाएंगे। उनकी हड्डियां मोटी हो जाएगी और आंखें बड़ी हो जाएगी। इवोल्यूशन के चलते मार्स पर बसने वाले लोगों की हाइट आमतौर पर ज्यादा हो जाएगी, और सबसे बड़ा बदलाव तो उनके स्किन के कलर में देखने को मिलेगा। उन लोगों की चमड़ी का कलर ऑरेंज हो जाएगा, और ये सारे बदलाव मार्स के एनवायरनमेंट के कारण होंगे। नंबर 10, दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में सबसे दूर का प्लेनेट है नेपच्यून, जो सूरज से करीब 4.5 अरब किलोमीटर दूर है, और प्लूटो जो कि एक ड्वार्फ प्लेनेट है वो हमारे सूरज से 6 अरब किलोमीटर दूर है। लेकिन अब तक हमने खोजा हमारे ही सोलर सिस्टम का सबसे दूर दराज का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो है 2018 AG 37, और दोस्तों इसका निकनेम है फार फार आउट, क्योंकि ये हमारे सन से बहुत ही दूर है। ये एक प्लेनेटॉइड यानी कि एक लघु ग्रह है जिसकी जानकारी हमें जनवरी 2018 में मिली थी, पर इसकी डिस्कवरी को फरवरी 2021 में ही यानी कि रिसेंटली ही कंफर्म किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी जानकारी हमें हाइपोथेटिकल प्लेनेट 9 की डिस्कवरी करने के दौरान ही हुई। इस लघु ग्रह का डायमीटर करीब 400 किलोमीटर है, और ये हमारे सूरज से करीब 132 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 19 अरब किलोमीटर दूर है, और इस ड्वार्फ प्लेनेट फार फार आउट को हमारे सूरज का एक चक्कर लगाने में 1000 साल लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारे स्पेस फैक्ट पसंद आए होंगे, और फ्रेंड्स इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।